संजय खंडेलवाल को साथ एलईडी में भी दिखाया जा रहा है देवकी नंदन है। एक तो समय पे आइए। Hey guys, welcome back. Vlogs Roll Play पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, सभी मैं आ चुका हूँ विलायक सिविक सेंटर, जहाँ पे देवकी नंदन जी कथा सुनाने वाले हैं। आज 27 अक्टूबर है, एक हफ्ते तक कथा चलेगा और ये पूरा ग्राउंड है सिविक सेंटर का। इस ग्राउंड में कथा होने वाला है 1 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, तो पूरा माहौल आप लोगों को दिखलाएंगे और कथा भी घर बैठे आपको सुनाएंगे। तो ये काफी बड़ा सा मैदान है, इस मैदान में ये देखो ये पंडाल देखने को मिलेगा। यहीं पे प्रदीप मिश्रा जी का भी कथा हुआ था, लेकिन उस समय हम थे नहीं। तो अभी हम अंदर चलेंगे और आप लोगों को कथा भी सुनाएंगे, माहौल भी दिखलाएंगे। वैसे भाई प्रदीप मिश्रा जी का जो क्राउड होता है ना, वो क्राउड यहाँ पे तो मुझे मिसिंग दिख रहा है। हो सकता है कि आज पहले डे के हिसाब से ज्यादा जानकारी किसी को ना हो। तो यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवत कथा, ये देखो। तो देखते हैं कितने दिन तक ये चलेगा भाई साहब। और यहाँ पे क्राउड नाम का कोई देखने को तो नहीं मिल रहा है। और ये देखो, इसके अंदर से होते हुए जाएंगे। सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया गया है। काफी बड़ा सा मैदान है सिविक सेंटर का, और उस साइड में भी स्टॉले लगे हुए हैं, तो वो भी अपन देखेंगे। फिलहाल ये देख लो भाई, ये है काफी बड़ा सा पंडाल। और भाई साहब पहली दफा देख रहा हूँ कि पंडाल खाली है भाई, ऐसा पहली दफा देख रहा हूँ कि जब से प्रदीप मिश्रा जी आए हैं तब से पंडाल खाली देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन देवकी नंदन जी के पंडाल में भाई लोगों की कमी है, तो हम पास से भी देख सकते हैं देवकी नंदन जी को। ये अच्छी बात है भाई, क्राउड नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि प्रचार प्रसार पता नहीं किए कि नहीं किए हैं, इस वजह से हो सकता है। तो हम एकदम नजदीक में जाके देख पाएंगे देवकी नंदन जी को। वैसे तो पास देखने को मौका मिलता नहीं है, लेकिन इस बार मौका मिल पाएगा। चलते हैं गुरु और देखते हैं। ये देखो पंडाल भाई साहब, पूरा खाली खाली पंडाल है। और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है कि क्या हो रहा है, देखते हैं भाई। और अच्छा सजा के रखे हुए हैं वैसे पंडाल को, और जगह जगह भी पोस्टर लगा रखे हैं इस तरह से देवकी नंदन जी का। और वहाँ पे दुकानें सब सजे हुए हैं, चंदन तिलक हो गए वगैरह वगैरह। और एलईडी टीवी भी है भाई यहाँ पे, देखो कि क्राउड रहेगा, लोग आएंगे देखने के लिए। उसके अनुसार से यहाँ पे एलईडी लगा के रखे हुए हैं, लोग दिख नहीं रहे भाई अपने को, क्या बात है भाई, एक मजाक हो गया। और सामने में देख सकते हैं ये पूरा सेटअप बना हुआ है, जहाँ पे देवकी नंदन जी बैठ के कथा सुनाएंगे। और पूरा खाली लग रहा भाई, भक्तगण आए ही नहीं है कथा सुनने के लिए। गाइस, अभी जो कथा है वो अभी शुरुआत हुआ नहीं है, देवकी नंदन जी पता नहीं कब आएंगे। तो फिलहाल ये देख लो, ये पूरा स्टेज सजा हुआ है देवकी नंदन जी का, जहाँ पे बैठ के कथा सुनाने वाले हैं। अपन भी थोड़ा कथा देखेंगे भाई साहब किस तरह से कथा सुनाते हैं। बाकी गाइस, भक्तों की कमी है यार, पूरा पंडाल खाली है। एक बार मैं घूम के दिखा देता हूँ, बस सामने में ही होंगे कम से कम, नहीं तो वही 300-400 लोग होंगे। और ये पूरा पंडाल खाली है, पहली दफा इस तरह से पंडाल को देख पा रहा हूँ कि पूरा खाली पंडाल। और यहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा है, देखो जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर भुलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रथम दिन हम और आप सब पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में बैठकर के भागवत भागीरथी में गोते लगाए। उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा, समिति के सदस्य दीप ज्योति सेवा समिति भिलाई के सदस्य प्रकाश देवांगन जी अध्यक्ष, सुरेंद्र कुशवाहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय खंडेलवाल कोषाध्यक्ष, सुधीर सुराना सचिव, पानी की कथा धार्मिक कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में, तो यहाँ पे कथा चालू हो चुका है। और देखो, हम जब आया था तो पूरा ये पंडाल खाली था, लेकिन अभी अच्छा खासा क्राउड हो गया है। वैसे जिसे सबसे होना चाहिए उसे सबसे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एलईडी में भी दिखाया जा रहा है देवकी नंदन जी को। और यहाँ पे मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ, ये देखो काफी सारे भक्तगण पहुंचे हुए हैं कथा सुनने के लिए।
पे जो कम है यार पहले डे के हिसाब से माहौल नहीं होना चाहिए। देखो हम ब्रजवासी जरा अलग टाइप के हैं, हमें आलस्य नहीं चाहिए कथा में। दो चीजों का ध्यान रखिए, एक तो समय पे आइए और दूसरा आलस्य रहित होकर आइए। भगवान की कथा में कभी भी विलंब से नहीं पहुंचना चाहिए, प्रथम आरती हो उससे पहले हमें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम आरती के बाद मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण श्रवण करने का बड़ा महत्व होता है। जिन भगवान की हम कथा सुनने जाते हैं उन भगवान का मंगलाचरण, उनका बंधन करना है हमें। और बिना बंधन किए अभी हमें पता है बहुत से लोग बिना प्रणाम किए बैठ गए होंगे कथा सुनने, तो पहले भागवत जी को प्रणाम कर ले। और देख सकते हैं आधे से ज्यादा पंडाल अभी फिलहाल खाली है। ये जो पंडाल बना हुआ है कम से कम 1.5 लाख लोगों के लिए बना हुआ है और यहाँ पे कम से कम 2 लाख लोग आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे भंडारा भी रखा गया है, भंडारा जो है आगे भवन में है, तो वहाँ भी अपन चलेंगे आप लोगों को दिखलाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे कथा चालू है, अच्छा व्यवस्था बना के रखे हुए, वहाँ पे पीने का पानी भी रखे हुए हैं अगर कोई पंडाल में रुकना चाहते हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में क्या होता है कि काफी सारे भक्तगण इसी पंडाल में एक हफ्ते तक रुकते हैं और उनका जो खाना पीना नहाना धोना सबका प्रबंध करते हैं संस्था वाले लोग जो कथा करवाते हैं, तो यहाँ भी वही सिस्टम है। लेकिन वही है बस लोग कम है थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कल क्राउड कुछ ज्यादा रहेगा। काफी सारे भक्तगण अभी भी आ ही रहे हैं, कथा लगभग आधा घंटा हो चुका है चालू हुए और अभी भी भक्तगण आ ही रहे हैं। भाई ये देखो व्यवस्था अच्छा खासा रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन और जगह जगह पे LED TV लगा हुआ है जहाँ पे लोग बैठ के कथा सुन सकते हैं। यहाँ क्राउड भी ज़्यादा उतना नहीं है। प्रदीप मिश्रा के में क्या होता है कि इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि प्रदीप मिश्रा जी क्या लेडी को भी देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बड़े शांति से आप कथा सुन सकते हैं अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो। और भी हमारे भिलाई सिविक सेंटर में ये कथा चल रहा है।